इससे पहले वाले दिन में मैंने क्या किया था, हमने डिफरेंसिएशन करना स्टार्ट किया है। अब जो भी नए लोग हैं ना, उनके लिए डिफरेंसिएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है? तो वो कोशिश करेंगे समझने का, क्योंकि आज ये डिफरेंसिएशन का लास्ट लेक्चर है, प्रोबेबली ये लास्ट लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में जो लोग ने पहले से लेक्चर अटेंड किया है, शायद उनको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंसिएशन क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब अभी बाद में देखेंगे, लेकिन डिफरेंसिएशन कैसे करते हैं ये डेफिनेटली उनको समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये प्रोडक्ट रूल, इससे पहले वाले लेक्चर में प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल ये समझा दिया था ना? यस सर, ओके। हमने इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल को यूज करके मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया था सॉल्व करने को। कुछ लोगों ने सॉल्व करके आंसर भेजा है और कुछ यस लोग सर, ऐसे हैं जिन्होंने, उनको कोई मतलब नहीं है। सर आपका काम है, पढ़ाओ, हमें मन करेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट करूंगा, दोबारा से नहीं बताने वाला। बस इतना जान लो कि कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो U:V के फॉर्मेट का होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको वी को बाहर रखना है और पहले यू का डिफ्रेंसिएशन करना है। अच्छा, जिनका भी पहला लेक्चर है उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आज, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, बेसिक लेक्चर्स देख लेंगे यूट्यूब में जाके, फिर आपको ये सब समझ में आ जाएगा। आप लेक्चर्स देखो वहां पर बैठ के, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वी डी यू अपॉन डी एक्स पहला टर्म होगा। नेक्स्ट में क्या करते हैं, जिसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है उसको बाहर निकालेंगे, और जो पहले बाहर बैठे था उसका डिफ्रेंसिएशन कर दोगे। तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल। डिविजन रूल में क्या होता है, अगर कभी भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ U अपॉन V आ जाए, अब इसमें क्या है ना, आप U और V, पहले V का डिफरेंशिएशन करो या पहले U का डिफरेंशिएशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको इससे ऐड करो या इसको इससे ऐड करो, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप डिविजन रूल यूज करोगे तो आपको स्पेसिफिक होना है। डिविजन रूल में आप क्या करोगे, आपको पहले V को बाहर रखना है और जो न्यूमरेटर पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन करना है। याद रखेंगे, पहले डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का करना है, फिर यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस लगाना होता है, फिर यू बाहर, और इस बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे। और एक बार दोनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन हो गया तो जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर से आपको क्या करना है, पूरे को डिवाइड कर देना है। अब डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत ही बेसिक रूल होता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको प्रैक्टिस करवाए थे। तो इन दोनों रूल्स में किसी को कोई भी डाउट है क्या? जो नए हैं उनको तो डाउट होगा, ठीक है? जो इससे पहले के दो लेक्चर्स जिन्होंने अटेंड किया है, उनमें से किसी को इसमें कुछ भी डाउट है क्या? नो सर, सबको समझ में आ चुका है इतना? यस सर, यस सर। अच्छा, आज हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक सीखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। अभी चेन रूल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ये सब बहुत ही आसान था। पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि किन क्वेश्चंस में चेन रूल लगाना है और किन क्वेश्चंस में चेन रूल नहीं लगाना है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, सपोज मुझे ये बोला गया है कि मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका, मान लो क्वेश्चन मेरे को बोला गया है डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x। मान लो ऐसा मेरे को बोला गया है कि मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है साइन 2x का विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आप मेरे को सोच के बताओ, मैं ये साइन 2x को, मैं साइन 2x को ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि साइन और 2x का मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा बोलते हैं क्या साइन साइन 2x को, साइन एक अलग है और 2x अलग है, ऐसा रख सकते हैं क्या? यस सर, साइन 2x को ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन अलग और 2x अलग? सर, नो सर, नहीं 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 नो नहीं नहीं ये मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। नो ये साइन नो का इंडिपेंडेंट में कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ अगर आपने साइन लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, साइन के साथ एक एंगल होगा तभी ये कंप्लीट बनता है। सिर्फ साइन लिख दोगे साइन, तो साइन ऑफ व्हाट, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि साइन किस में एक्ट कर रहा है। ये साइन जो होता है वो एक्चुअल में एक फंक्शन है। तो
तो अगर आपने साइन के साथ एंगल नहीं लिखा है ना, तो इसका खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. मतलब ये साइन 2x का इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिर्फ साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं. तो अगर तुम बोलोगे सर ये साइन 2x को साइन अलग लिख दो, 2x अलग लिख दो, वैसा लिख सकते हैं क्या, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है. इस तरह का सोच नहीं लाना है अपने दिमाग में. और अगर गलती से आ भी जाए इस तरह का सोच, तो उस तरह के सोच को वहीं पे मार देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे. हमने क्या बोला कि अगर मुझे साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये साइन को और 2x को मैं अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकता. अब मन में ख्याल आता है ना कि अच्छा सर ऐसा है, साइन 2x है तो साइन का डिफरेंसिएशन अलग कर लो, 2x का डिफरेंसिएशन अलग कर लो. बहुत लोगों को लगता है कि सर ये तो u into v के रूल से सॉल्व हो जाएगा. ये u into v का रूल नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ साइन का कोई मतलब नहीं होता है. अगर ऐसा होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता d अपॉन dx ऑफ 2x into sin x, तब आप क्या कर सकते थे, इसको एक अलग फंक्शन मान सकते थे, इसको आप एक अलग फंक्शन मान सकते थे. लेकिन अगर आप देखोगे तो एक फंक्शन जो ये क्या है, मिक्स टाइप का फंक्शन है. साइन में एक एल्जेब्रिक फंक्शन और अटैच. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको चेन रूल यूज करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन था, वहां पे आप 2x को और sin x को अलग अलग सेपरेट कर सकते थे. तो 2x और sin x को जब आप अलग अलग सेपरेट करते, आप इनमें प्रोडक्ट रूल यूज करते, तो आप आराम से डिफ्रेंसिएशन कर लेते. अब क्वेश्चन में अगर ये पूछा है कि सर अगर साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन आ गया, तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल तो यूज नहीं कर सकते. प्रोडक्ट रूल यूज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि ठीक है भाई साहब, अब अगर ऐसा कुछ है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है. अब एक दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके बताऊंगा, तो एकदम ध्यान से कोशिश करना ये समझने की कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं. जैसे यहां पर अगर देखोगे साइन 2x, अब ये क्वेश्चन, ये d अपॉन dx तो ऑपरेटर है, ये बताता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको भी भूल जाओ. सिर्फ साइन 2x को सोचो. अगर यहाँ पर साइन 2x नहीं होके सिर्फ साइन x होता, अगर यहाँ पर साइन 2x नहीं होकर सिर्फ d अपॉन dx और साइन x होता, तो उसका आंसर cos x लिख पाते क्या? Yes, sir. तो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल x नहीं है, एंगल क्या है 2x है. तो जिसके कारण से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, जिसके कारण से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मैं उसको कुछ मान लेता हूँ. क्यों मान लेते हैं देख लेते हैं. मैंने ऐसा बोल दिया कि लेट ये जो 2x है, 2x को मैंने क्या कर लिया, t मान लिया. 2x का वैल्यू मैंने t मान लिया. अच्छा, अब जैसी मैं t मान लूंगा तो क्वेश्चन ऐसा चेंज हो जाएगा. ध्यान से देखना, d अपॉन dx एज इट इज रखा हमने, साइन 2x इन प्लेस ऑफ 2x अगर मैं t से रिप्लेस कर दूं, तो ये हो जाएगा साइन t. अब तुम खुद से सोच के बोलो, यहाँ पे d अपॉन dx है और यहाँ पर साइन t है, ये सॉल्व करके cos t लिख पाएंगे क्या? नो सर. बताया था कि यहाँ पर अगर अलग वेरिएबल है और यहाँ पर अलग वेरिएबल है, तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे. अच्छा सर, अब अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करते हैं ना, डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डी टी से डिवाइड कर देते हैं. ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अभी इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया था. अब ये डी टी वाले टर्म को ना डी एक्स के प्लेस में लिख दो. तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी, ठीक है, और ये जो ऊपर न्यूमरेटर वाला डी टी है उसके नीचे मैंने ला के रख दिया डी एक्स. मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा? सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन, सेम नंबर से डिविजन अलाउड होता है मैथमेटिक्स में. तो सेम टर्म से मल्टीप्लीकेशन और सेम टर्म से डिविजन मैंने किया. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लायक लाना था. यहाँ पे d अपॉन dx और यहाँ पे t होता तो ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता था. लेकिन जब मैं dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो देखो ये वाला टर्म को आप सॉल्व कर पाएंगे क्या, d अपॉन dt और sin t? बोलो तो सर. यस सर. और इसको जब आप सॉल्व करो सर, d अपॉन, हाँ बोलो सर, यहाँ पर तो dx था, वहां पर आप dt, देखो ये dt को मैंने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, ये dt को यहाँ ला दिया, dx को यहाँ ला दिया. मल्टीप्लीकेशन अलाउड है ना, 2x3 हो या 3x2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता. यस सर. ओके, तो d अपॉन dt ऑफ sin t. अब d अपॉन dt ऑफ sin t जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा cos ऑफ t into next term क्या है, d अपॉन dx ऑफ t है. अब t क्या था? t तो हमारा अज्यूम क्या हुआ, वेरिएबल है. क्वेश्चन में अगर आप देखो t का मतलब क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t का मतलब है 2x. 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 2x.
तो टी के प्लेस में मैं रख देता हूँ टू टाइम्स ऑफ एक्स। अच्छा अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करूंगा, तो कॉस टी के प्लेस में क्या लिख दूंगा, कॉस टू एक्स इन टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स। जब आप सॉल्व करोगे तो टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है क्या? यस सर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज टू टाइम्स ऑफ कॉस टू एक्स। आया क्या समझ में? यस सर। अच्छा मैं इसको इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? मैं कॉस टू एक्स इंटू टू को कॉस फोर एक्स लिख सकता था क्या? नो सर। नो सर। एकदम ध्यान रखना है कि एंगल चेंज कभी नहीं होगा। आप डिफ्रेंसिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, कुछ भी करोगे, जितना एंगल आपको स्टार्टिंग में गिवन है उतना ही एंगल का आंसर आपका एंड में भी होना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन करने पे जो एंगल है वो चेंज नहीं होता। तो अगर यहाँ पर 2x का एंगल था तो आंसर में भी 2x एंगल आना चाहिए। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, मैं एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लो मेरे को बोला गया d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x स्क्वायर, मान लो ये मेरे को सॉल्व करना है। अच्छा अब आई होप तुम लोग को ये डिफरेंस पता है, अगर मैं लिखूं साइन x का होल स्क्वायर, अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर x, और अगर मैं लिखूं साइन x स्क्वायर, ये तीनों एक है या अलग अलग है? डिफरेंट, तीनों डिफरेंट है। ये तीनों डिफरेंट है। सो फर्स्ट दो सेम है। फर्स्ट दो सेम है। शानदार दीपांशी, वेरी नाइस। अरे साइन एक्स का होल स्क्वायर को तो साइन स्क्वायर एक्स लिखते हो। अच्छा शाश्वती, ठीक है, सॉरी शाश्वती, साइन एक्स के होल स्क्वायर को ही तो साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि ये जो एंगल वाला टर्म है वो एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये टर्म अलग है और ये दोनों टर्म सेम थे। अब मान लो क्वेश्चन मेरे पास ऐसा आ गया कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब तुम खुद से बोलो कि अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होके, अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होके सिर्फ एक्स होता तो क्वेश्चन कितना ही आसान हो जाता। मतलब जिसके कारण से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है, जिसके कारण से ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है, हमें क्या करना है, उस टर्म को कुछ अज्यूम कर लेना है। तो मैंने एक्स स्क्वायर को, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कारण क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो मैंने एक्स स्क्वायर को क्या कर लिया, टी अज्यूम कर लिया। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी अज्यूम कर लूंगा तो वो जो क्वेश्चन है ना वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन टी। लिख सकते हैं क्या ऐसा? फिर से रीअरेंज करोगे तो मैं इस क्वेश्चन को ये बना सकता हूँ, डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी इन टू d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। अच्छा पूरा टर्म सॉल्व हो सकता है ना, d अपॉन डी टी ऑफ साइन टी। यस सर। ये हो जाएगा कॉस ऑफ टी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। जब एक्स के स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, कॉस टी का टी के प्लेस में आप प्लेस कर दो, एक्स का स्क्वायर और टू एक्स को आगे लाके रखो, तो टू इंटू एक्स टाइम्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। यस सर। टू इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। आया क्या समझ में सबको? यस सर। 46 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से तीन या चार लोग यस सर बोलते हैं, बाकी लोग बोलते रहते हैं। सबको समझ में आया ये? ये ना, ये जो टी टी मैंने अज्यूम किया ना, एक्चुअली तुमको ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नोटिस करोगे तो देखो मैंने क्या लिखा है, इस वाले स्टेप को ध्यान से देखो। मैंने लिखा है डी अपॉन डी टी ऑफ
साइन टी इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर तुमको अभी जो बताऊंगा वो कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ऐसे सॉल्व कर लेना, और अगर समझ में आ जाए तो ये जो कर रहा हूं उसे सॉल्व करना। ध्यान से देखो, जैसे यहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर के कारण ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, डी अपॉन टी के प्लेस में एक्स स्क्वायर रख देता हूं अगर, तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां पे क्या था, ये क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर के कारण कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मैं इसको अलग से पेज में लिख के दिखाता हूं तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आए। मेरे पास क्वेश्चन ये था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि आप क्या करना, जिसके कारण भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, जिसके कारण भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है, आप उसको क्या करो, टी अज्यूम कर लो। अब इतना करने की आपको जरूरत नहीं, अगर आपको ये अभी जो बताऊंगा वो समझ में आ जाएगा तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर लो। कैसे, यहां पे ये क्वेश्चन, यहां पर अगर एक्स स्क्वायर नहीं होके एक्स होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता। मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर के कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले डिफ्रेंशिएट करूंगा जिसके कारण ही कॉम्प्लिकेट, एक्स स्क्वायर के कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो ये गिवन फंक्शन को, ये गिवन फंक्शन को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा। फिर क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में अभी डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, तो वापस से यहां पे डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिख दो डी एक्स। अब जब आप देखोगे ना, देखो ये डी एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो सकता है, तो आप पीछे घूम के देखोगे तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो हमने क्या बोला कि अगर मैं इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करूं और इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करूं तो आंसर मिल जाएगा। अब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्यों? देखो एक चेन बन रहा है, डिफरेंशिएशन का चेन बनता है। यहाँ पे एक टर्म हुआ, फिर मल्टीप्लीकेशन के साथ दूसरा टर्म हुआ, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा तो तीसरा टर्म बन जाएगा, एंड सो ऑन। आपको हमेशा रियलाइज क्या करना है कि किसके कारण से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था वो एक्स स्क्वायर के कारण से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो अपन क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये मेरे पास पहला टर्म हो गया। अब जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया था उसको आप वापस से वहां पे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ पे लिख दो डी एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स जो है वैसा लिख दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो ऐसा हो गया, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे ही तो सोच रहे हो ना, ये एक्स स्क्वायर टी है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी है, तो डी अपॉन डी टी और साइन टी हो गया। तो ये सॉल्व करने पर क्या होता, कॉस टी या कॉस एक्स का स्क्वायर पहला टर्म हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2x मेरा नेक्स्ट टर्म। तो सॉल्व करने पर जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर। आया क्या समझ में? Yes sir. Yes sir. Yes sir. एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब शायद थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, देखो किसी को किसी भी तरह का अगर डाउट हो रहा है तो मेरे से पूछेंगे। अब मैं वो t वाला मेथड नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, मान लो क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ, मैं एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले रहा हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3। मान लो ऐसा बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है, मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, रूट के अंदर साइन 2x प्लस 3, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर साइन 2x प्लस 3 है, मुझे जिसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। अब आप मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन जो है रूट के अंदर, इस रूट के अंदर अगर सिर्फ x होता, रूट के अंदर सिर्फ x होता तो इसका डिफरेंशिएशन आता है क्या अपने को? हाँ या ना? यस सर। यस सर। मेरे को नहीं लग रहा समझ में आ रहा है लोगों को, अरे सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आप देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें रूट के अंदर सिर्फ x होता, t होता, y होता, z होता, और यहाँ पर भी वैसा ही वेरिएबल होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता। मतलब ये जो पहला टर्म है, मतलब ये जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था वो रूट के अंदर जो टर्म है उसके कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिख देंगे, ये रूट वाले टर्म के अंदर क्या करेंगे, इस रूट वाले टर्म, रूट के अंदर जो टर्म है ना उसके रिस्पेक्ट में इस पूरे रूट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा डी अपॉन, इसके कारण ये कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो डी अपॉन डी साइन 2x प्लस 3,
इसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दो किसका, साइन 2x प्लस 3 का। ये स्टेप किसको नहीं समझ में आया? आपको हर एक स्टेप में क्वेश्चन को आसान करते जाना है। जैसे इस रूट के अंदर सिर्फ x होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता, तो मैंने क्या कर दिया, इस रूट के अंदर जितना भी टर्म था ना उसको एक नया वेरिएबल t अज्यूम कर दिया, तो यहाँ पे d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t हो गया। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म देखो। अब ये जो टर्म है ना इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन 2x प्लस 3, ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? क्योंकि 2x प्लस 3 है। अगर ये 2x प्लस 3 नहीं होके कोई सिंपल सा वेरिएबल x होता तो ये डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाता। इसका मतलब नेक्स्ट, हाँ बोलो सर, वो रूट जो आपने ऊपर है उसको नीचे नहीं लेना? ये रूट को नीचे लेके आया ना, देखो लो। नो नो सर, जो d के पास सर, वो डिनोमिनेटर के पास। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे क्या होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता d अपॉन dx ऑफ रूट x, सिर्फ ऐसा क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ना, 1/2 रूट x इसका आंसर होता है। तो अगर यहाँ पर रूट के अंदर x होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान। अगर x के अलावा कुछ है, मान लो x प्लस 2 है, तो आप क्या करोगे, इस वाले टर्म में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2, उससे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या बोला, रूट के अंदर जो भी टर्म है उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर दो, उस टर्म को डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे रूट के अंदर में साइन 2x प्लस 3 था, तो मैं गिवन क्वेश्चन को रूट वाले टर्म के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। अब ये जो टर्म है साइन 2x प्लस 3, ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि इसका एंगल कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो भी इसका एंगल है उस एंगल के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे। 2x प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में। आया क्या समझ में ये? सर यहाँ नीचे आपने 2x प्लस 3 क्यों लिखा? हाँ देखो जैसे इसका एंगल कितना है, साइन 2x प्लस 3। अगर एंगल 2x प्लस 3 नहीं होके कोई सिंगल सिंपल सा एंगल होता x, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता। जैसे यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर में था उसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करना है साइन 2x प्लस 3 का, लेकिन इसका एंगल सिंपल नहीं है, इसका एंगल क्या है 2x प्लस 3 है, तो जिसके कारण से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इस वाले स्टेप में भी तो वही किया था ना, जिसके कारण से ये कॉम्प्लिकेट हो रहा था, साइन 2x प्लस 3 के कारण से कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जिसके कारण से ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो ये 2x प्लस 3 के कारण कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो d ऑफ साइन 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू d 2x प्लस 3 लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, फिर ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करो d ऑफ 2x प्लस 3। अब ये 2x प्लस 3 ये तो आसान टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो देखो इससे इसको अगर कैंसिल आउट करते, इससे इसको अगर कैंसिल आउट करते, तो अब वापस घूम के उसी स्टेप पे आ जाते। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब एक एक करके देखो, ये वाला टर्म आप साइन 2x प्लस 3 को अगर t मान लोगे तो ये क्या है, d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t। रूट ओवर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट ओवर t का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 टाइम्स ऑफ रूट t। तो रूट t का मतलब हो जाएगा रूट ओवर ऑफ साइन 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करके लिख दिया। फिर देखो d अपॉन यहां पे क्या है ना, 2x प्लस 3 को अगर मान लो एक नया वेरिएबल मान लिया मैंने y, 2x प्लस 3 को एक नया वेरिएबल अगर मैंने y मान लिया, तो यहाँ पे क्या होता है d अपॉन dy ऑफ sin y। sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin y का डिफरेंशिएशन cos y होगा, तो यहाँ पे लिख दोगे cos, और y के प्लेस में क्या बन गया, y के प्लेस में बन गया 2x प्लस 3 का। सेकंड वाला टर्म भी सॉल्व हो गया। थर्ड वाला टर्म देखो, d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 3, 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, d अपॉन dx ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x करोगे तो वो 2 आ जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। नहीं आया सर समझ में? सर अंडरस्टूड। सर अगर आप इस वेरिएबल, सर अंडरस्टूड, डाउट किसका है बोलो। सर अगर आप रूट साइन एक्स होल 2x प्लस 3 को कुछ मतलब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में t और y कंसीडर करके लेंगे, तब भी तो वही, देखो हमने वही किया ना, साइन 2x प्लस 3 को पहले आप t मानो। जैसे अगर आप देखोगे
तो मैंने आपको क्या बोला कि आप जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही कर लो, साइन 2x प्लस 3 को आप क्या कर लेते हैं, t मान लेते हैं। तो देखो पहला टर्म तो यही है ना, d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t, पहला टर्म वही है क्या? यस यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, यहाँ पे dt अपॉन dx है तो t के प्लेस में तो यही बनता ना साइन 2x प्लस 3। यस सर। dt अपॉन इतना है ना। अच्छा, अब साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो साइन 2x प्लस 3 में क्या है, वापस से आपको चेन रूल यूज करना पड़ेगा क्योंकि 2x प्लस 3 के कारण ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन किया 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। फिर आप यहाँ पर फिर से क्यों लिखे हुए? देखो देखो यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया, इसके बाद देखो मुझे ये सॉल्व करना है। मुझे बोला गया है कि आप ये सॉल्व करो d अपॉन dx ऑफ साइन 2x प्लस 3। अब तुम अगर इसको देखोगे तो ये 2x प्लस 3 के कारण क्वेश्चन क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्या? अगर 2x प्लस 3 नहीं होता, कुछ आसान सा वैल्यू होता तो बहुत ही आसान होता। तो मैं 2x प्लस 3 को अगर z मान लूं तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा ना, d अपॉन dx ऑफ साइन z, मैंने 2x प्लस 3 को z मान लिया। अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, सॉल्व करने के लिए dz से मल्टीप्लाई और dz से डिवाइड करना पड़ेगा। वापस से जब आप अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा d अपॉन dz ऑफ साइन z into dz upon dx। अब देखो मैंने क्या बोला था, z मैंने किसको assume किया, 2x plus 3 को z assume किया, तो यही term तो आ रहा है ना, d upon dz, 2x plus 3 z है, yes sir, d sin of z, फिर last में क्या term आ रहा है, d upon dx of z, 2x plus 3, solve करेंगे वो answer होगा। आया समझ में? yes sir, yes sir। देखो ऐसा नहीं कि एक बार में सबको समझ में आ जाएगा, complicated है, question complicated है, तो कोई भी doubt अगर लग रहा है तो पूछ लो, किसी को किसी भी तरह का डाउट लग रहा है तो पूछ लो। एक चीज हमेशा बोलो बोलो सर, लास्ट में जो आप 2 लिखे हैं वो थोड़ा कैसे हुआ? इस वाले टर्म को सॉल्व करो, इस वाले टर्म को, d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस 3, 3 कांस्टेंट है, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन करोगे 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो d अपॉन dx ऑफ x सॉल्व करोगे तो 2 आ गया। आए समझ में दीपांशी? यस यस। अच्छा, सबको ये समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर, नो सर। अगर डाउट नहीं है तो आप मुझे इसका सलूशन बताओ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टैन 2x माइनस 3, आप मेरे को इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या होगा रिजल्ट। दो तीन क्वेश्चन दे देता हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x प्लस 2, sec स्क्वायर x प्लस 2, ये ले लो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ cos 1 अपॉन x स्क्वायर, ये तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन के मेरे को आंसर बताता हूं। आप अपना टाइम लो और बस मुझे सही आंसर से मतलब है, ये एंगल चेंज कर देता हूँ, ये एंगल ऐसा रख देता हूँ। ये रख दिया, तीन क्वेश्चन है बैक टू बैक तीन क्वेश्चन। एक एक करके सॉल्व करो, कोई भी डाउट हो, छोटा सा छोटा भी डाउट हो तो पूछना। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम हो गया, 44 हो गया, ओके 46 थे तभी। काजी फहीम ये पहले से हैं, इलीने का पहला लेक्चर है जी। रोहन कुमार, रोहन आपका ये कौन सा लेक्चर है? सर फोर्थ होगा। फोर्थ होगा, ओके। रोहन आपको समझ में आ रहा है ना ये सर जो चल रहा है? यस सर। ओके, आयुषी आचार्य। यस सर। आयुषी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, फिर सौरभ प्रसाद।
सौरभ समझ में आता? यस सर। एक दो तीन में से किसी का आंसर आया सौरभ अभी? चेक कर रहा हूँ। कर रहे हो, ठीक है, चलो देखते हैं। श्रेया? यस सर। श्रेया आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है, चलो ट्राई करो। पुण्य पारुल, मुमता पहले से है, भूमिका भी पहले से है। यस सर। पुण्य पारुल आपका आंसर आया क्या? सर आया तो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ठीक है। मुझे नहीं लगता, अरे नहीं देखो, जब तक मेरा आंसर नहीं आता ना तब तक सबका आंसर करेक्ट होता है, तो अपने आंसर में कॉन्फिडेंस रखेंगे। आप ट्राई करो, एक बार चेक कर लो। हाँ आप चेक कर लो, चेक कर लो, टेंशन नहीं है, आप आराम से चेक करो, देन ओनली यू कैन देन ओनली यू कैन टेल योर आंसर। अनुष्का मित्रा, अनुष्का, ये बहुत डिफिकल्ट नाम है, अनुष्का, अनुष्का जो भी है। सर हाँ सर, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 6 square 2x minus 3 into 6 square whole 2x minus 3 into 2x। ठीक है मैं चेक करता हूँ। रियांशा आपका आंसर है ना? यस सर। ठीक है रियांशा, मैं चेक करूंगा, आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं देखता हूँ क्या आंसर होगा। आर्को कर्माकर, आर्को, हेलो आर्को, आर्को, आर्को मीटिंग में नहीं है। शुभेंदु बेहरा, शुभेंदु आपको समझ में आ रहा है? यस सर। आंसर आया शुभेंदु? नो सर, सर सॉल्विंग। सॉल्विंग ओके ठीक है। रवि कुल चौधरी, रवि कुल चौधरी। यस सर। रवि कुल आपका आंसर आया क्या? यस सर, फर्स्ट वाला किया हूं सर, अभी सेकंड और थर्ड करूंगा। चलो ठीक है ट्राई करो, सही है, कोशिश करो। इरफान आंसर आ गया? इरफान 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 आप मीटिंग में हो? हाँ आंसर आया इरफान? नो सर। नहीं सर, समझ सर, समझ में आ रहा है ना इरफान? ओके ठीक है, तुम समझ में सर, आंसर नहीं। ओके ठीक है चलो, हम लोग चेक करेंगे, टेंशन मत लो। सौम्या सिन्हा, यस सर। हाँ सौम्या आपका आंसर आया क्या? नो सर। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन किसी का नहीं? नो सर। सौम्या समझ में आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या लेक्चर? सर कुछ कुछ, कुछ कुछ नहीं कहीं पे। तो आप पूछते नहीं हो सौम्या, फिर आपको डाउट पूछना चाहिए था ना इससे पहले वाले में। इससे पहले yes, वाले में क्या प्रॉब्लम हुआ बोलो? अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एकदम ध्यान से देखना और कोई भी डाउट हो तो पूछना। ओके सर। ठीक है सौम्या, हमें बोलना है, हमें इंटरेक्ट करना होता है क्लास में। किसी का आंसर आया क्या? सर पहले का आंसर 2x square 2x minus 3। ओके ठीक है देखते हैं। First answer is 6 square 2x minus 3 into 2. Okay. Yes, sir, I have got 2 square 2x minus 3. Okay. So अब आगे देखते हैं। बाकी questions भी solve कर लो। Second, third, ये भी try कर लो। फिर एक बार हम लोग सारे questions को attempt करेंगे। किसी ने मैसेज बोला है, मैसेज ये कैसे कम होगा? सर ऑल आंसर्स कंप्लीट, सोहम साई, वेरी नाइस सोहम। सर सोहम,
हाँ सोहम सोहम वेरी नाइस कंप्लीटेड कंप्लीटेड सारे कंप्लीट हो गए सोहम के सौम्य किसके सारे कंप्लीट हो गए सोहम के और कोई है क्या यस सर यस सर कंप्लीटेड ओके ठीक है चेक करते हैं हम लोग सर आई हैव आल्सो कंप्लीटेड ओके मैं सॉल्व करूं क्या कंप्लीटेड कंप्लीटेड ठीक है शुभम के सारे कंप्लीट हो गए सोहम के कंप्लीट हो गए और एक किसी और ने बताया था कंप्लीटेड कंप्लीटेड ठीक है अच्छा ठीक है चलो मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं सर सर लास्ट वाला कंक्लूजन नहीं आ रहा है लास्ट वाले का समझ में नहीं लास्ट कंक्लूजन में नहीं आ रहा है कंक्लूजन में नहीं आ रहा अरे आ जाएगा कंक्लूजन में वो हर जगह आएगा कंक्लूजन में नॉन कंक्लूजन में आएगा टेंशन मत लो एक एक करके हम क्या करते हैं ना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमें डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ टैन टू एक्स माइनस थ्री को अब एक चीज तो हमेशा याद रखना ना कि डिफरेंशिएशन करने के बाद एंगल में कोई चेंज नहीं आता जैसे tan x का डिफरेंशिएशन करते थे तो sec square x होता था उसमें एंगल चेंज नहीं होता था पहले अगर एंगल x है तो बाद में भी एंगल को x ही रहना है जैसे यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो ये जो क्वेश्चन है अच्छा जिनको नहीं समझ में आया था वो एकदम ध्यान से देखना ठीक है सर कंप्लीटेड सुशी ठीक है हम लोग चेक करते हैं अब एकदम ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो इसके कारण से कॉम्प्लिकेट हो रहा है अगर ये 2x माइनस 3 नहीं होके कोई सिंपल सा एंगल होता ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता तो हम क्या बोलते हैं कि जिसके कारण से भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है जिसके कारण से भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा है उसको हमें क्या करना है टी अज्यूम कर लेना है तो मैं क्या बोलूंगा कि ये टी होता अगर तो मेरा टर्म डिफरेंशिएशन का जो होता अब जिसके कारण भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है उसी कारण डिफरेंशिएट करना है तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं डी ऑफ डी 2x माइनस 3 इसके कारण से कॉम्प्लिकेट हो रहा था तो मैंने डी ऑफ डी 2x माइनस 3 इसके रिस्पेक्ट में जिसके कारण से ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है आपके पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना है tan 2x माइनस 3 फिर क्या है इस वाले टर्म को आपको इधर लिखना है जो आप जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है उसको ऊपर लिख दो तो यहां पर है 2x माइनस 3 अब ये 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आसानी से कर सकते हैं अब जैसे ही आप इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को कैंसिल आउट करते हैं आप वापस से अपने प्रीवियस वाले स्टेप में पहुंच जाओगे जो क्वेश्चन आपको गिवन था तो मैंने क्या कर दिया क्वेश्चन को बस एक नए फॉर्म में लिख दिया जिसके कारण से वो कॉम्प्लिकेट हो रहा था मैंने उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया फिर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसको डिफरेंशिएट कर रहा है अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2x माइनस 3 अगर मान लिया जाए t होता तो देखो क्वेश्चन क्या बन गया d अपॉन dt ऑफ tan t tan t का डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो वो sec स्क्वायर t होता तो यहां पर एंगल को अनचेंज रखते हुए पहला टर्म हम क्या लिख देंगे पहला टर्म लिख देंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 3 ये पहला टर्म मैंने लिख दिया इनटू d अपॉन dx ऑफ d अपॉन dx ऑफ 2x माइनस 3 अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे माइनस 3 तो कांस्टेंट है माइनस 3 कांस्टेंट है लिखने की जरूरत है नहीं बिना लिखे इसको हटा देंगे 2x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे ना तो 2x के डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन से d अपॉन dx ऑफ x 1 होता है तो सॉल्व करने पर जो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा वो हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x माइनस 3 सर नहीं आया समझ में ये कितनों का सही आया था पहले ये तो बताओ सर इट इज माइन सर गो ओके बहुत का सही आया था मेरा ओके अच्छा अब मेरा वेरी नाइस जिनका भी सही आया है बहुत अच्छी बात है कितने पार्टिसिपेंट्स हैं 40 पार्टिसिपेंट्स में मेरे को लगता है 10 लोग हैं जिनका सही आंसर आया है चलो नाइस ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने लोग सीख गए अच्छी बात है अच्छा अब इस वाले क्वेश्चन में ना मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाहता हूँ
इतना तामझाम करने की आपको जरूरत नहीं है, मतलब इतना ये जो मैंने कार्यक्रम यहाँ पे किया है ना उसकी आपको जरूरत नहीं। आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो, क्यों? आप देखो टैन के साथ जो भी एंगल है, डिफ्रेंसिएशन के बाद एंगल तो अनचेंज ही रहना है सर। यहाँ पे जब आपने डिफ्रेंसिएशन किया है 2x माइनस 3 का, तो एंगल अनचेंज है, मतलब हम एंगल को देखते ही नहीं है स्टार्टिंग में। हम क्या करेंगे, टैन के साथ जो भी एंगल, कुछ भी एंगल रहने दो, टैन का डिफरेंशिएशन पता है कि टैन का डिफरेंशिएशन sec square होता है, तो आप टैन के साथ जो डायरेक्टली लिखा है ना उस वाले टर्म को डायरेक्टली ऐसे लिख दो। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे, देखो sec square 2x minus 3। मैंने क्या किया ना, पहले एंगल को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, क्योंकि एंगल तो चेंज होगा ही नहीं सर डिफरेंशिएशन में, तो मैंने एंगल को एज इट इज रखते हुए डिफरेंशिएट कर दिया। फिर जो भी एंगल वाला टर्म था उस एंगल वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2x minus 3 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, इसका कोई रोल आने नहीं वाला, सिर्फ किसका रोल आएगा 2x का। जब आप 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का 2 क्या हो जाएगा, सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। आप एक स्टेप में आंसर लिख सकते हो क्या, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मैं सेकंड वाले क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले आपको थर्ड वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब थर्ड वाला ना मैं डायरेक्टली ऐसे ही आंसर बता दूं, कैसे देखो cos ax + b, मैं पहले तो एंगल को देखूंगा ही नहीं सर, एंगल कुछ भी हो मेरे को एंगल को नहीं देखना है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है क्या, हाँ या yes. और जो भी एंगल है आप एंगल को एज इट इज लिख दो, ax + b, एंगल को एज इट इज लिख दिया। अब ये एंगल का डिफरेंशिएशन अलग से कर लो, तो एंगल का डिफरेंशिएशन जब आप अलग से करोगे ax + b, ax + b का जब आपने डिफरेंशिएशन अलग से किया तो a into x, b constant है, b का कोई differentiation नहीं आएगा, a into x का जब आप differentiation करोगे तो सामने में आके a multiply हो जाएगा, मतलब differentiation के बाद जो answer आना है ना वो हो जाएगा a times of sin a x plus b। किसको समझ में नहीं आया, एकदम question number 1 और question number 3, जिसको भी नहीं समझ में आया अभी बोलेंगे। फिर से बता दूं, मेरे को 10 बार बताने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम 10 टाइम्स पूछो मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 3, किसी को डाउट है तो बोलो। मैसेज आ रहा है मेरे को व्हाट्सएप। नो डाउट सर। किसी को डाउट नहीं है ना? नो डाउट सर। नो डाउट सर। नो सर। ओके। नो सर। नो सर। नो डाउट। ओके ठीक है, वेरी नाइस, नो डाउट। किसी ने कुछ बोला है? नो डाउट सर सौम्य, ठीक है। अच्छा अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या था ना, टैन के साथ सिंपल सा एक टर्म था, कॉस के साथ सिंपल सा एक टर्म था, यहाँ पे आपके पास क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स ऑफ sec square, sec square और इधर x plus 2, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, sec x plus 2 का whole square, लिख सकते हैं क्या ऐसा? Yes sir। Yes sir। अच्छा अब ध्यान से सोचो, अगर ये sec x plus 2 का whole square नहीं होके ये पूरा टर्म अगर मैं t मान लू, तो d upon dt of t square ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, तो ये जो क्वेश्चन है वो इसके कारण से क्या हो रहा था, कॉम्प्लीकेट हो रहा था। तो जिसके कारण से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता है उसके रिस्पेक्ट में पहला डिफरेंशिएशन कर दो। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं d ऑफ d sec x plus 2, ठीक है, d इसके कारण से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो d ऑफ d sec x plus 2 इसके रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, गिवन क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करूंगा। पहला स्टेप किसको नहीं समझ में आया, पहला स्टेप किसको नहीं समझ में आया बोलो, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अंडरस्टूड। जो भी शर्म के मारे नहीं पूछ रहे ना वो इतना शर्माएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, हम शर्माना भूल जाएंगे, एकदम बेशर्मों के जैसा डाउट पूछेंगे, क्योंकि सीखने बैठे हैं यहाँ पे और सीखने के लिए थोड़ा बेशर्म होना पड़ता है। तो d लिख दिया, dx लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, कुछ भी लिखा है, अगर आपके मन में, बहुत लोगों के मन में ये डाउट सर ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो।
हाँ अगर बहुत ही विचित्र क्वेश्चन होगा तो थोड़ा बहुत मजाक उड़ा दूंगा तुम्हारे में, थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं उड़ाऊंगा कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा। कभी मैं दिल नहीं तोड़ता किसी का, तो तुम डाउट बेफिक्र होके पूछ सकते हो। तो d अपॉन d ऑफ sec x प्लस टू, जिसके कारण से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो रहा था उसके रिस्पेक्ट मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ये डिनोमिनेटर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है आप अपने को, डिनोमिनेटर वाले टर्म का। तो मुझे ये sec x प्लस टू का डिफरेंशिएशन करना है। अब सिर्फ इसको देखो, sec x प्लस टू ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका एंगल कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, जो भी उसका एंगल होता, जो भी उसका एंगल होता उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को प्रोसीड करा देंगे। ठीक है, हो गया सर जी। अब फिर से जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी एक्स प्लस टू, अब ये x प्लस टू का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx के रिस्पेक्ट में कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ये टर्म इससे कैंसिल हो सकता था, ये टर्म इससे कैंसिल हो सकता था, तो घूम के आप वापस वहीं पर पहुंच जाते जहां से आपने स्टार्ट किया। तो ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ सर, ऐसा लिखने का मतलब हो गया कि इसको मैं अलग से सॉल्व कर सकता हूं। ये मेरे पास क्या हो गया, अगर मैं sec x plus 2 को t मान लूं ना, देखो ये क्या हो गया, d upon dt of t square, t square का differentiation 2 times of t हो जाएगा, x square के जैसा है। तो यहाँ पे आप पहला टर्म क्या लिखोगे, 2 times of t, t का मतलब क्या है, t का मतलब है sec x plus 2, ये पहला टर्म, इसको differentiate करके लिखा, फिर into, अब इसको देखो, sec के साथ एंगल है x plus 2, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x into tan x, अगर आपको याद हो तो sec का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एंगल को अनचेंज रख, एंगल को अनचेंज रखते हुए यहां पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x plus 2 into tan x plus 2, ये मेरे सेकंड वाले टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया, sec x plus 2 का डिफरेंशिएशन कर दिया x plus 2 के रिस्पेक्ट में। अगर आप ऐसा सोचो कि x plus 2 अगर z होता तो sec z का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, sec z into tan z, वो लिख दिया। लास्ट में मेरे को क्या करना है, d upon dx of x plus 2 सॉल्व करना है, 2 कांस्टेंट है लिखने कोई मतलब नहीं है, d upon dx of x जब आप सॉल्व करोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना तो 2 ये बाहर बैठा हुआ है, ये और ये मिलके स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x plus 2 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा tan x plus 2 और ये हमारा आंसर है। सर आया नहीं सर समझ में, तोते उड़ गए सर। अंडरस्टूड, सबको समझ में आया क्या? यस सर। मन के कोने में, दिल के कोने में, किडनियों के कोने में अगर कोई भी डाउट फंसा है तो उसको निकालेंगे और पूछेंगे, कहीं पर कोई बात ऐसा हो रहा है सर ये बात नहीं हजम हुई, सर वो नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। देखो आसान नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सर ये तो सर बाकियों को समझ में आ रहा है, सिर्फ मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा, मेरे को अलग से बताओगे क्या? तो तुमको अलग से बताया जाएगा, तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा अगर तुम्हें नहीं समझ में आया। कोई भी ऐसा है जिनको इन तीनों प्रॉब्लम्स में से में किसी में भी कोई डाउट है? सर ये समझ में आया, लेकिन इसको आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं जैसे फर्स्ट वाले को? नहीं 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 नहीं, सीधे सीधे करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो ना, आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाओगे ना क्वेश्चंस में तो आपको वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जैसे sec स्क्वायर था तो उसका डायरेक्टली उसका वैल्यू ऐसे पुट करके ऐसे करने से होता नहीं? वैल्यू डायरेक्टली पुट करने से नहीं समझा मैं, कैसा वैल्यू? ऐसा जो क्वेश्चन जो है sec होल x plus 2, हाँ। तो सर उसको तो उसको अगर हम लोग डायरेक्टली लिख देते कि sec स्क्वायर into tan स्क्वायर 2 होल 2 प्लस x, सॉरी होल x प्लस 2, कैसे लिखोगे? sec x plus 2 का होल स्क्वायर, उसको आप डायरेक्टली कैसे लिख दोगे? नो सर, क्वेश्चन था sec स्क्वायर होल 2 प्लस x प्लस 2। हाँ तो sec स्क्वायर था ना, मतलब ऐसा था ना sec स्क्वायर x प्लस 2, तो sec square x plus 2 था, मतलब ये क्या था, पूरे में square है ना ये तो? Yes sir। हाँ, question देखो, previous वाले page में मैंने लिखा है question, देखो ये question है, d upon dx of sec square x plus 2, इसका मतलब sec x plus 2 का whole square है वो, आया क्या समझ में? Yes sir। सबको समझ में आया ना? Yes sir। तो मैं कुछ questions दे रहा हूँ आपको homework के लिए, और आप मेरे को इसका solution जरूर भेजना, जो भी सॉल्व कर पाए ना वो क्वेश्चंस का सलूशन भेजना, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना। ये d अपॉन dx ऑफ
root over x plus 2 t upon dx of cos ax minus, sorry, ax square minus bx plus c d upon dx of t plus t square plus 4 whole square. और एक और क्वेश्चन ले लो, d upon dx of, एक और क्वेश्चन क्या ले ले, और कुछ मन में जो आ रहा है, मन में आ रहा है मेरे, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए, cos x minus 4, ठीक है, ये एक दो तीन चार चार क्वेश्चंस हैं, इनका सलूशन आपको मेरे को नेक्स्ट क्लास से पहले तक भेज देना है। और एक और बात, जिस किसी को भी डाउट हो वो व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, अगर किसी को नोट्स चाहिए जो प्रीवियस लेक्चर के नोट्स थे अगर वो चाहिए तो उसके लिए भी वो मेरे से पूछ सकता है 9131443849। कोई लेक्चर्स छूट गए तो वो यूट्यूब में चैनल में जाके देख सकता है, जैसा भी आपको कन्वीनियंस लगे उस हिसाब से आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चार क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करना नेक्स्ट वाले क्लास से पहले, आया क्या समझ में? यस सर। चलो फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।